हम लोग कम्प्लीटली अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं 12:30 बजे के लगभग। यहां से अर्धकुमारी से बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। आगे भवन तक बैटरी कार से जिसको जाना जाए, जो भक्त जाना चाहता है वो जा सकता है बैटरी कार। जय माता दी। अर्धकुमारी से दो रास्ते हैं, एक अर्धकुमारी होके हाथी मत्था होके भवन जाता है और एक सीधी चढ़ाई होती है। सीधी चढ़ाई जो होती है वो नॉर्मल चढ़ाई है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो अर्धकुमारी होके हाथी मत्था होकर जाएगी वो थोड़ा सा कठिन चढ़ाई है। हम लोग सीधे रास्ते से जा रहे हैं जो नॉर्मल चढ़ाई है, और अर्धकुमारी का गुफा अभी बंद है, वो अभी ओपन नहीं है। आकाश जी, किस रास्ते से आप जा रहे हैं? बस यही एक दो रास्ते कटे हुए हैं, एक रास्ता चला जाता है यहाँ पर अर्धकुमारी के लिए, एक रास्ता चला जाता है सीधे भवन के लिए। अच्छा, आप सीधे वाले से जा रहे हो? मैं सीधे वाले। चलिए, नॉर्मल चढ़ाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आइए, चलिए, यहाँ पे बैटरी कार उपलब्ध है, यहाँ से आराम से जा सकते हैं। जो थक गया है या कि कोई प्रॉब्लम है जिसको, वो कार से जा सकता है। वैसे पैदल ही ज़्यादा बेस्ट है और आनंद भी आता है पैदल यात्रा करने में। जय माता दी। मौसम एकदम अच्छा है, खुला हुआ है पूरा, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, सब बढ़िया है। जय माता दी।